प्लीज अगर जो कुछ आप रिपीट हो रहे हैं बहुत अच्छा है। देखो मैं जा रहा था इतना मतलब टाइम बहुत बड़ी बात है ना हमको और प्रीवियस से क्वेश्चन से अभी मैं बात बताती थी लगभग 5-10 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हां मैं देखा हूं उसी में से करता हूं 5 6 तक 10 12 करना क्या करो कि मतलब थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी करो जैसे क्वेश्चन आते हैं उस पे अरेंज करने के लिए क्रोनोलॉजी फिक्स क्वेश्चन है आएगा ही आएगा और दोलन से आएगा ही आएगा फिक्स क्वेश्चन है कि ईस्ट से वेस्ट लगाना नॉर्थ से साउथ लगाना आएगा मैं पिन से तो फिर वो मैप आप सामने रखो और मैम से आप लगाओ फिर वो मतलब डेली डेली और लास्ट टाइम में भी ये बोलूँगी हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं अभी इससे टाइम नहीं है एक साल में पहले फिर मत पढ़ो नहीं आएगा 6-7 महीने का पढ़ो दिसंबर जुलाई अगस्त सितंबर सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कितना हो गया 5 पीछे चले जाओ 2 महीने और अक्टूबर नवंबर बस मतलब 5-6 महीने ज़्यादा फोकस कर लो उधर से। हाँ यूपी पीसीएस का देखना यूपीएससी पूछता है 1 से 1.5 साल 2 साल लेकिन यूपी पीसीएस का भी ट्रिक पकड़ना वो जो रिसेंट हो रहे हैं तो बहुत पूछता है पीछे वाले थोड़ा थोड़ा कम पूछता है क्यों एक साल का पढ़ना उस पर फोकस करना और एक एक चीज़ मैं और बताऊँगी उसमें और मार्क्स तो देंगे ना तो उसे सही गलत गलत सही ये सब होता नहीं कि नहीं पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है हम उस पर गलत कर देते तो मार्क्स जितना दोगे उतना अच्छा हो जाएगा। मार्क्स से हम सिली मिस्टेक दूर करते हैं और जैसे क्या होता है कि मॉक का आंसर दिया रहता है उसको रट जाओ जैसे आपके कोई मॉक चाहिए नहीं होगा अभी प्रीवियस से क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है प्रीवियस से क्वेश्चन आपको तैयार रखना है हाथ में कम्युनिकेशन स्किल आता है इसमें थोड़ा चैलेंजिंग फेस कर रहा हूँ तो इसके लिए आपने क्या किया था जैसे रीजनिंग हो जाता है हिंदी हो जाता है लेकिन कुछ ऐसे सीशन में कम्युनिकेशन पहली बात तो सीसैट क्वालिफाइंग है तो सीसैट के जो 100 क्वेश्चन आएंगे जितने भी आएंगे सारे करने नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है मैंने कोई बुक मुझे पता भी नहीं है और ना मैंने कोई फॉलो की थी आपको बुक नहीं आता मेरे नहीं आता तो उसके प्रीवियस से बताओ एक होता नहीं कि अगर आपको किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कैसे बताओगे तो ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे या फिर संचार का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा होता है तो होता है जिसमें हम फीडबैक भी इंक्लूड रहे ना इस तरह के जनरल है तो जब आप पिछले 10-15 साल पढ़ोगे ना आराम से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो
अब मैथ्स साइड फोकस, क्योंकि वो श्योर रहता है और यूपीपीसीएस की मैथ्स का जो थोड़ा इजी आता है, तो आप प्रीवियस ईयर कर लो और उसके साथ भी अगर तब भी नहीं हो पा रहे हैं तो एसएससी के 80 प्रतिशत का क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है, लाभ हानि का क्वेश्चन है, ये सब कर लो। बट सीसैट कर लो आराम से हो जाएगा, क्योंकि सीसैट में हिंदी भी रहती है, इंग्लिश भी रहती है, तो थोड़ा यूपी यूपीएससी का कंपैरेटिव इजी आता है सीसैट का। मेरा तो यही फंडा रहा है कि प्रीवियस ईयर कर लो, उससे आइडिया लग जाता है, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ठीक है, थैंक यू।